क्या कर रहे हैं बिलाल? यार हमें कुछ करना चाहिए, हमारा फाइनल ही होगा। ठीक है यार, कर तो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लाइफ स्पेंड ही नहीं हो रही, कुछ करने को है ही नहीं है, क्या करें बताओ। हमें चाहिए कि डिग्री के अलावा भी कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। सोशल मीडिया मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है फोस्टर लर्निंग पाकिस्तान का, उसमें काफ़ी जो है ना मॉड्यूल्स हैं, काफ़ी फ़ायदा हमें उसमें, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, डिग्री के बाद हमने जो है उसके थ्रू जो है हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, तो वो हम करते हैं यार, कुछ सीख लेंगे यार। 4 साल में हमने कुछ नहीं किया यार, हमने 4 साल में, इस हमने इन 4 सालों में हमने क्या कर दिया बताएं यार। दो माह हो सकता है उसकी वजह से चेंज आ जाएगा हमें। छोड़ यार, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी देखो 4 साल हमने यहाँ पे कुछ किया ही है, तो दो माह यार एक दफ़ा तुम देखो तो सही, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट देखो, डिटेल तो देखो, तुम्हें पता तो चले कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर हम उसमें अगर हम करते हैं ट्राई, अप्लाई करते हैं हम, तो उसमें हमारा इंटरव्यू होगा, तो वो भी उसमें भी हमें सीखने को मिलेगा। छोड़ यार, कैसी बात है, कुछ भी नहीं रखा हुआ इन बातों में। यहाँ पे देखो करें सोसाइटी से हमने कुछ की है यार, अरसलान, अरसलान से बात करते हैं, उससे पूछ लें, उससे काफ़ी इंफॉर्मेशन है, वो बता देगा क्या सीन है। ठीक है चलो यार, वो तो उसको उसको बुलाते हैं। ठीक है, उससे तुम पूछ लेना क्या है इसका फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि उसने पहले भी उसको आइडिया है इस चीज़ का यार, वो अगर इसमें इंटरेस्ट लेगा तो मैं भी लूंगा, लेकिन यार उसमें काफी चेंज आया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो लेगा, तुम उसको ले आओ, मैं उस, देख लूंगा। उसमें काफी चेंज आया है, वो उसकी पर्सनालिटी इंप्रूव हुई है, उसकी काफी सोशल नेटवर्क उसका बना हुआ है, उसको उसको करना चाहिए, पूछना चाहिए उससे कि हमें भी बताए। 4 साल दिमाग खा रहे मेरा यार, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ कि तुम आगे कुछ करो मेरे साथ मिलकर, हम तुम कुछ करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एक मिनट यार, एक मिनट, मैं आपका करता हूँ बात। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह यार, आओ बैठो यार, करते हैं बात। अच्छा और सुनाओ, कैसे आना हुआ अमीर? यार आपसे जो है ना, मुझे काम था जो कि बिलाल से मेरी बात हुई है, ठीक है, मैं उससे मिला हूँ, तो वो स्टडी के अलावा मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ सीखे आगे, फ्यूचर में कुछ करे। तो जिस तरह आपने मुझे यूट्यूब का बताया था कि जिस तरह मैं अर्निंग कर रहा हूँ आपकी वजह से, आपने मुझे बताया था, गाइड किया था, तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी आप बताएं। फोस्टर का भी आपने मुझे बताया था। जी जी, फोस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम जी आया है, उसका भी यार उसको बताओ क्या करना है उसका, उसमें क्या होता है। ठीक आपको है, मैंने बताया था, तो आपने उसे बताया नहीं है कि फोस्टर के बारे में, कि वो फोस्टर का कोर्स ज्वाइन करे? जाहिर है आपने किया, वो आपको बेहतर पता है, मैं अगर बताऊंगा तो मेरी बात नहीं सुन रहा वैसे भी, तो आप कोशिश करेंगे आपकी वजह से, क्या पता वो आपकी बात। चलें ठीक है, मेरे पास उसका नंबर है, तो मैं उसे मुलाकात करके ना तो उसे समझा दूंगा, तो ठीक है मिलते हैं हम। बहुत शुक्रिया यार, कोई मसला आपका नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जनाब, कैसे आए हैं आप यहाँ पे? यार वो मैं मीर से मिला था, मीर ने मुझे बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हो, यूनिवर्सिटी के अलावा भी तुम्हें कुछ चाहिए कि कुछ कर लो कोर्सेज वगैरह, जो फोस्टर के कोर्स आया था ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसके बारे में, तो इस वजह से इस सिलसिले में मैं आया था तुम्हारे साथ बात करने के। ये तुम गाने वगैरह सुनते रहते हो, इनमें कुछ नहीं पड़ा काफी भी, अभी भी इतने मुझे फीलिंग्स आ रही थी, इतना मैं गाना सुन रहा था, अब मुझे आपको डिस्टर्ब कर दिया यार। यार देखो, तुम यूनिवर्सिटी के साथ कुछ करते भी हो, सिर्फ ये सोशल मीडिया और ये चीज़ें कोई काम की नहीं है, साथ साथ अपना कोर्स कर लो ताकि आपको फायदा होगा। अच्छा मेरे भाई, अब आप मुझे बताएं, मीर के सिलसिले में मुझसे बात करना चाह रहा था, मैं उस बारे में सोचता हूँ। मीर ने तुम्हें बताया था ना वो फोस्टर के बारे में? फोस्टर के बारे में हाँ, वो कुछ जिक्र तो कर रहा था उस वक्त लाइब्रेरी के सामने, मुझे समझ नहीं आया उस वक्त, क्योंकि वो मोहित चावला ही मारता है, तो मैंने उसकी बातों को तवज्जो नहीं दी। नहीं, मैं तुम्हें ना उसके बारे में प्रॉपर डिटेल बताऊंगा, फिर मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओगे, तो हम तीनों मिलकर करेंगे कोर्सेज वगैरह, कोई इतना मसला नहीं है। और ये फोस्टर का यार बेसिकली कोर्स कुछ इस तरह से है, इसमें ना मॉड्यूल उनके जो है, मॉड्यूल में आता है एक है लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप से? लीडरशिप मतलब आपको टीम को साथ लेके चलना, ये सारी स्किल्स वगैरह आ जाएंगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपका एक माइंडसेट बनेगा, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट जैसे हमारे लोगों का होता है, इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। और इसी तरह जो है फिर जॉब्स वगैरह के रिलेटेड भी वो लोग बताते हैं, ये स्कॉलरशिप्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटी में हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। अच्छा, और अच्छा। फिर इसी तरह जो है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हम लोग जब बिजनेस करते हैं ना, तो ये उसके आइडियाज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें ना इस कोर्सेज में। हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ यार, इसमें और भी चीज़ें आ जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आप लोगों से, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, लोगों से बातचीत करते हो, काफ़ी आपके लिंक्स बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ आओ, हम तीनों ज्वाइन करते हैं इसे,
अच्छा, इसका नाम क्या है और ये कहाँ पे करवा रहे हैं? यार ये ना फोस्टर जो है लर्निंग पाकिस्तान का, इनका ना फेसबुक पे आपको पेज भी मिल जाएगा, और इसके अलावा ये फोस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये 2 माह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें जो है आपको 4 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। इसी तरह जो है आप लोगों को इसमें बताएंगे आप कैसे स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हो। इसमें जो मेन चीजें हैं ना वो इसके आउटडोर प्रोजेक्ट्स हैं। आउटडोर प्रोजेक्ट्स मतलब हाँ, आपको बाहर जाके लोगों से मिलोगे, लाइक जैसे आप प्लांटेशन करते हो तो उसके लिए आपको ये लेटर प्रोवाइड करेंगे। आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी जगह पे वो लेटर दिखा के उनसे बातचीत करोगे, इससे आपके एक तो बातचीत करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो एक बूस्ट होगा। दूसरा इसका जो मेन जो प्रोजेक्ट है उसमें आ जाता है सीईओ आउटरीच। सीईओ का मतलब क्या है? सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। सीईओ ये क्या चीज है? सीईओ से मुराद ये होता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में इनके रेफरेंस के थ्रू जाओगे, मतलब फोस्टर का एक लेटर होगा आपके पास, आप वो लेटर दिखाओगे किसी भी इंडस्ट्री को या कंपनी को, तो वो आप उनका जो है इंटरव्यू लोगे। अब देखो यार इसमें एक बेनिफिट क्या है, हम जो है जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन हम उनका इंटरव्यू लेंगे, ये इसमें जो है एक अच्छी चीज है। चलो यार ये लगभग काफी इंटरेस्टेड रहा है। अब मुझे बताएं इसका क्या तरीका क्या है, कब इसकी डेट खुल रही है, अभी कब, और फीस का बताना यार, मैं फीस नहीं मैनेज कर सकता ना, ना ना। और इसमें एक और चीज भी है यार, मुझे फीस से याद है, ये फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो लोग फीस मतलब नहीं ना कर सकते अफोर्ड उनके लिए ये कंसेशन भी देते हैं। ये इनकी जो बहुत अच्छी चीज है, ये बिजनेस के लिए नहीं कर रहे, ये ना आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग सीखो और इससे आप लोगों को कुछ फायदा हो। मेरी नजर में ये तुम्हें करना चाहिए। अच्छा यार ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना यार हमारा क्लैश ना आ जाए। नहीं यार इनका जो है ना मेन मोटो यही होता है कि ये बच्चों की क्लासेस वगैरह तो इसमें नहीं मतलब हर्ज होता, उसमें किसी किस्म का मसला नहीं आता। ये दिन ऐसा रखते हैं कि जिसमें आप लोग फ्री हो। अब जैसे मैं लास्ट टाइम देखा था ये सैटरडे संडे प्रोग्राम होता है, अब उस दिन तो आप फ्री होते हो, यूनिवर्सिटी भी सारी ऑफ होती है, तो ये इनका एक बेनिफिट है कि आप लोग मतलब फ्री टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यार सैटरडे और संडे हमारी छुट्टी का क्या होगा? यार छुट्टियां हराम करनी पड़ती हैं इन चीज़ों के लिए, आपको कुछ सीखना अगर हो ना तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है करनी पड़ती हैं। इससे फायदा आपको ये, आप लोगों से मिलोगे, इंटरव्यू लोगे, प्लांटेशन करेंगे। इसी तरह जो है लास्ट में इसका एक और भी है जो आउटडोर का प्रोजेक्ट है, उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। अब वो क्या चीज़ है, हम थोड़े से इन्वेस्ट करेंगे पैसे, एक ग्रुप बनेगा, डिफरेंट टीम्स होती हैं, और हम थोड़े से पैसे लगा के एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है मतलब करके ना थोड़ी सी, तो हम उसे कमाएंगे। ये एक आइडिया मिलता है हमें कि हम कैसे जो है अपने बिजनेस को चला सकते हैं। ठीक है, हम इसको ज्वाइन करते हैं। आप टाइम का जरा बताओ तो टाइमिंग क्या होगी इसकी, और हफ्ता इतवार तो चल आपने मुझे बता ही दिए, तो हम इसको ज्वाइन करते हैं। मैंने इसकी टाइमिंग का जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो हम उधर पूछ लेंगे कि ये कब मतलब किस वक्त वो करवाते हैं, टाइमिंग क्या है, फिर अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये मॉर्निंग में हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी क्लासेज इवनिंग में होती हैं। अच्छा एक और बात, हमें इसको ऑनलाइन भी अप्लाई करना होगा। इसमें ना ऑनलाइन जो है आती है मतलब वेबसाइट है इनकी, वहाँ पे आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई करेंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। चलो यार जब इसकी डेट आई अप्लाई करने वाली तो आप मुझे इसका लिंक शेयर कर देना, तो हम तीनों इकट्ठे चलेंगे। चलो इंशाल्लाह ठीक है, जैसे इसके बारे में ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे ख्याल से हमें ये करना चाहिए, काफ़ी अच्छा है, तो चलो इंशाल्लाह हम मिलते हैं इसके इंटरव्यू में ही। और हाँ यार वो जो मेरा दोस्त है मीर, उसको भी यार मैंने काफी कुछ ना दिया था, उसको भी साथ ले आना और मैं उससे सॉरी कर लूंगा। चलो ठीक हो गया, ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको फोस्टर का जो प्रोग्राम है ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसकी अवेयरनेस मिले ताकि आपको पता चले ये चीज़ क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो इस वजह से हम दोस्तों ने सोचा था कि आप लोगों के साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ये क्या चीज़ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। शुक्रिया। हेलो, डिग्री के बाद तुमने क्या करना? यार जो बंदा वेला होता है ना वो सबसे ज्यादा बिजी होता है। और वेला नहीं यार, आगे तुमने रोजी रोटी के लिए जाना है, इतनी उम्मीदें लगाई हैं तुम्हारे माँ बाप ने, 20 साल इतने बड़े हो गए तुम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने कोर्स किया, चेहरा मेरा देखो। किस चीज की यार? यार उठते से बात तो सुन यार, यार तू तो यार मेरी बात से बात हुई है यार, वो कुछ सुन ले उसकी, कुछ कमाल है। और नहीं दिया कुछ माँ बाप को कमाल है, इतने बड़े हो गए तुम, 20 साल उम्र हो गया तुम्हारी। ओ मेरे दोस्त, वाह वाह, कैसे हो?